वेलकम टू नॉलेज विद वासिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज का हमारा लेक्चर है, कुछ हम क्यूरीज के मुतालिक देखेंगे, कुछ क्यूरीज लिखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्यूरीज है और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलते हैं हमारे लैब की तरफ। तो कौन सा स्कीमा है हमारा? एच आर का स्कीमा है और सब कुछ क्यूरीज ने लिखी हुई हैं। एसक्यूएल क्यूरी टू अपडेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू 15 जनवरी 2012 फॉर एम्प्लॉई आई डी 100 कर ले, 100 एम्प्लॉय तो है। राइट, तो हम क्या करेंगे इसको, ये देख लें आप, अपडेट पहले हम देख लें, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, हायर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 100। राइट, 7 अगस्त 23 है। हम अपडेट टेबल सेट हायर डेट इज इक्वल टू 15 जुलाई 12 वेयर एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू 100। राइट, हायर डेट एच आई, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब आप देखें यहाँ पर तो 15 जुलाई 2000। राइट, सेकंड क्यूरी हमारी क्या है? क्यूरी टू सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज फर्स्ट नेम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 9500। राइट, वो सारे एम्प्लॉई आप ले रहे हैं जिनकी सैलरी 9500 से ऊपर है। राइट, सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 9500। राइट, ग्रेटर देन का ऑपरेटर हमने लगाया। तो ये सारे एम्प्लॉयज हैं, 20 एम्प्लॉयज हैं आपके। राइट, क्यूरी टू फाइंड ऑल एम्प्लॉयज विथ सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 80,000। राइट, सेलेक्ट, अब ये क्यूरी यहां से तक ले लें, सैलरी बिटवीन, बिटवीन क्या है, 40,000 एंड 80,000। नो एम्प्लॉय, चले हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 15,000 टू 20,000। राइट, तो ये दो एम्प्लॉय है। देखिए, सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी बिटवीन, बिटवीन का ऑपरेटर है हमारे पास, 15,000 एंड 20,000। राइट, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15,000 एंड सैलरी लेस देन इज इक्वल टू 20,000। सॉरी, राइट, तो ये दो तरीके हैं, आप बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं मगर, और आप ये भी कर सकते हैं, सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15,000 एंड सैलरी लेस देन इज इक्वल टू 20,000। राइट, एंड देन उसके बाद क्या है, अच्छा फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आप मिलाकर लिखना है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, आप इसको कॉन्केट कर दें, कॉन्केट का आपको फंक्शन मैंने बताया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम
from employees, right? तो आप लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं सेलेक्ट पाइप ऑपरेटर लिख सकते हैं आप, राइट मगर थोड़ा इसमें आप गैप भी दे सकते हैं, आप ये कर दें तो आप ये पाइप ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम पाइप ऑपरेटर, और इस तरह भी आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, राइट। और उसके बाद क्या है, अच्छा हाँ, क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज बिगिनिंग विथ एस, राइट। इसमें लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल होगा और एस परसेंटेज का साइन देंगे, जिसका पहला लेटर एस है उसे शुरू हो रहा है, राइट। आप इसको ऐसे करें, फर्स्ट नेम ले लें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इससे, फर्स्ट लेटर जिसका एस शुरू हो रहा है, राइट। और अगर लास्ट लेटर एस करना है, देखें क्यूरी है कोई लास्ट की, यस अगर इसको लास्ट लेटर को करना है तो आपने क्या करना है, परसेंटेज की साइन आगे लगा देनी है और लास्ट लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर एस होता नहीं है, हम एन कर लेते हैं, एन कैपिटल नहीं होगा स्मॉल में होगा, यस ये एन लास्ट लेटर जिनका एन है, राइट। और उसके बाद क्या है, हाँ, राइट ए क्वेरी टू फेच डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम एंड विथ एन अल्फाबेट ए एंड कंटेन एग्जैक्टली फाइव लेटर, राइट। अच्छा जिसका एंड हो, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम लाइक एग्जैक्टली फाइव लेटर हो, 1 2 3 4 5, और क्या लिखा है ए, राइट। फाइव लेटर छोड़ के एन आ रहा है, राइट। अगर हम इसको सिक्स कर देंगे, देखें 1 2 3 4 5 6, सिक्स लेटर छोड़ के एन आ रहा है, राइट। और उसके बाद क्या है, क्यूरी डिस्प्ले करंट डेट, राइट। अच्छा डेट को आप मुख्तलिफ तरीकों से डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। अब ये देखें, अनसपोर्टेड नेटवर्क अडाप्टर, सेलेक्ट सिस्टम फ्रॉम ड्यूल, सेलेक्ट सिस्टम फ्रॉम ड्यूल, राइट। अब सिस्टम डेट यहाँ से लेकर सेलेक्ट करंट डेट फ्रॉम ड्यूल, राइट। तो आप करंट डेट यहाँ से ले सकते हैं, राइट राइट। सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल, राइट। अब इसको आप एक फंक्शन ले ले, सेलेक्ट टू चार सिस डेट एम एम डी टी एम एम
from to आप ये कर दें इसको 4 कर दें और HH और आप कर दें MI SI इसको आप कर दें फ्रॉम ड्यूल जैसे ये करते हैं सेलेक्ट फ्रॉम सॉरी ईडी करें आप इसको और सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम ड्यूल missing right parenthesis right तो सिस्टम आप ऐसे भी ले सकते हैं HS24MIRSI right यहाँ पे कॉमा का मसला था right सिस्टम डेट को आप ऐसे भी ले सकते हैं तो और उसके बाद क्या है लास्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ अच्छा ऐड इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है टू चार ऐड मंथ ये फंक्शन हमने पढ़ा है ऑलरेडी डेट के फंक्शंस में एसक्यूएल में ऐड मंथ लास्ट डे इस डेट का लास्ट डे लें और ऐड मंथ को -1 कर दें आप राइट पिछले महीने का -1 करेंगे तो प्रीवियस मंथ और लास्ट ले लेंगे प्रीवियस मंथ का राइट और इसके बाद क्या है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द एम्प्लॉई फर्स्ट नेम एंड रिप्लेस विद द ए विथ एट द रेट राइट तो आपका रिप्लेस का फंक्शन है आपको रिप्लेस क्या करना है आपको सेलेक्ट रिप्लेस फर्स्ट नेम ए को रिप्लेस करते हैं आप एट द रेट से फ्रॉम एम्प्लॉइज तो ये आप देखें इसको देखें ए रिप्लेस हो गया आपके एट द रेट से राइट अच्छा राइट एसक्यूएल टू अपडेट द एम्प्लॉई नेम बाय रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस ये ट्रिम का फंक्शन होता है अपडेट एम्प्लॉइज फर्स्ट नेम ट्रिम फर्स्ट नेम लीडिंग और ट्रेलिंग जो भी इसके स्पेसेस होंगे ट्रिम करने से स्पेसेस आपके खत्म होते हैं ट्रिम का फंक्शन होता है राइट अच्छा यह है राइट एक्यूरेट टू फेच ऑल द एम्प्लॉइज डिटेल फ्रॉम द एम्प्लॉई टेबल हु ज्वाइन इन द ईयर 2007 तो सिंपल है आप दो तरीके से लिख सकते हैं बिटवीन 1 जनवरी 2007 से 30 दिसंबर 2007 राइट अगर आप इसको फर्स्ट नेम कर दें इसको राइट आप यहाँ पर हाई डेट भी ले लें फर्स्ट नेम हाई डेट राइट और आप ये एम्प्लॉय लें जो 2007 में इन्होंने ज्वाइन किया है राइट
अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ओनली ऑड रोज इवन रोज फ्रॉम द, ये देखिए ये आपके ऑड रोज आ जाएंगे राइट। मॉडुलस फंक्शन लगाना, जीरो आएगी तो आपको ऑड है राइट। और हाँ राइट एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएटेड न्यू टेबल विद डेटा एंड स्ट्रक्चर कॉपीड फ्रॉम अनदर टेबल, तो इसके लिए सिंपल है क्रिएट टेबल ईएमपी एस सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। मगर इसमें एक चीज याद रखना, आप आपके इसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं आएंगे, एज कॉन्स्टेंट को आपको खुद लगाना पड़ेगा राइट। और अगर हम करते सिर्फ अच्छा कॉपी किया तो उसके रिकॉर्ड भी आ गए राइट, उसके रिकॉर्ड भी इसके साथ ही आ गए। अगर आप चाहे नहीं सिर्फ डेट कॉपी स्ट्रक्चर कॉपी हो रिकॉर्ड नहीं आए तो कोई भी ऐसी कंडीशन लगा दें जो कभी भी ट्रू ना हो। इसमें क्या है वेयर वन इज इक्वल टू टू, जो इसके बराबर नहीं है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लाइज सॉरी ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, वेयर वन इज इक्वल टू टू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी टू, देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं है मगर इसका स्ट्रक्चर आपको सेम नज़र आएगा ये देखें राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द टॉप थ्री हाईएस्ट सैलरीज राइट। एक होता है आप चलें इसलिए सेलेक्ट आई क्यूरी है सेलेक्ट रोनम ईएमपी एम्प्लॉई आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेते हैं ई एम पी एल ओ वाई डब्ल्यू एस। देखें आपको रो नंबर वो दे रहा है, इसके साथ साथ एक रो नंबर का आपको रो नंबर भी दे रहा है राइट। मगर कितनी रो लेनी है आपने, वन टू थ्री फर्स्ट थ्री रोज राइट, लेस देन फोर तो थ्री है, देखें 24,000 17 और 14,000 राइट। आपने क्या करना है ये ऐसी इनलाइन क्यूरी होती है, आप जब भी फ्रॉम के बाद आप जो सब क्यूरी लगाते हैं इसको इनलाइन क्यूरी कहते हैं। ये सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी, अच्छा अगर हम डिस्ट्रिक्ट नहीं लगाते तो क्या होता, चलो हम डिस्ट्रिक्ट नहीं लगाते तो ये देखें 17 टू टाइम देता है, क्यों, क्योंकि रो हमने देखी थी ना, रो नंबर देखें आप 17 कैसे आ रही है, आप ये देखें 24,000 17 17 फिर 14 आ रही है, फिर 135 राइट। तो डिस्टिंक्ट का फंक्शन ये है कि डिस्टिंक्ट रो लेकर आता है आपके पास, सेम वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है राइट। अच्छा फाइंड द फर्स्ट एम्प्लॉई एंड द लास्ट एम्प्लॉई फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल राइट। ये देखें ये थोड़ी सी ट्रिकी है, आप क्या क्या मिनिमम एम्प्लॉई आईडी ले लें और मैक्सिमम एम्प्लॉई आईडी ले लें तो आपको फर्स्ट मिल जाएगा और लास्ट मिल जाएगा राइट। फर्स्ट 100 है और आप लास्ट अगर मैक्सिमम एम्प्लॉई आईडी लेंगे तो 206। एक्चुअली क्यूरीज बिल्कुल सिंपल होती है मगर थोड़ी सी ट्रिकी होती है राइट, थोड़ी सी ट्रिकी होती है, आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा हाँ, तो रिजल्ट आपको कैसे अचीव करना है तो वो अचीव हो जाता है रिजल्ट आपका राइट। तो अभी है लिस्ट द वे टू गेट द काउंट ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई
एक तो सिंपल तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं, आप इम्प्लॉई आईडी से ले सकते हैं, आप सेलेक्ट वन फ्रॉम इम्प्लॉई भी ले सकते हैं, आप मुख्तलिफ तरीके से ले सकते हैं। 107 इससे आ जाएगा और इम्प्लॉई आईडी आपने काउंट किया, और अगर आप वन काउंट करना चाहते हैं तो उससे भी 107 के आ जाएगा। राइट अब ये देखें, अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर, राइट ए क्यूरी टू फेच द डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ इम्प्लाई सॉर्टेड बाय डिपार्टमेंट काउंट इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट, तो क्यूरी तो सिंपल है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी काउंट आपने जो दिखा है फ्रॉम इम्प्लाइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, राइट, और ऑर्डर बाय काउंट जो ये काउंट आपने किया हुआ है। राइट, इसको देखते हैं, देखें ऑर्डर बाय आपके आ रहा है। राइट, अगर आपको ये ओमिट करना है तो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नॉट नल आप ये लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज वेयर डिपार्ट डीबीटी आईडी इज नॉट नल डिपार्टमेंट आईडी। एक्चुअली पुराने स्कीमा में ये था, राइट, तो आप इसको कर सकते हैं। राइट, देखिए राइट ए क्यूरी टू रिट्रीव डिपार्टमेंट हु हैज लेस देन 4 एम्प्लॉइज वर्किंग इन इट। राइट, सेम क्यूरी है और यहां पे आप काउंट लगा देंगे हैविंग का, ठीक है ना। ग्रुप बाय फंक्शन के साथ वेयर की क्लॉज नहीं होती, हैविंग की क्लॉज होती है। राइट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, आपने ग्रुप बाय फंक्शन डिपार्टमेंट लगाना है और काउंट क्या हो, काउंट 4 से नीचे हो। राइट, 2 2 3 3 3 3 वन। राइट ए क्यूरी टू रिट्रीव डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ये आपके डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी दे रहा है। राइट, सिर्फ अपने मैक्सिमम का सैलरी का लगाना है फंक्शन, मैक्सिमम का आपने वो लगाना है फंक्शन। अच्छा, राइट अ क्यूरी टू इम्प्लाई अर्निंग मैक्सिमम सैलरी इन हिज डिपार्टमेंट। राइट, इस पे आपने क्या करना है, आपने ज्वाइन लगाना है। एक तो आपने ये फंक्शन, इस क्यूरी का आपने रिजल्ट देख लिया ऊपर। राइट, डिपार्टमेंट आ गए आपके और सैलरी आ गई, और वो देखें इनर क्यूरी का रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, ये हाई सैलरी डिपार्टमेंट वाइज आ रही है। डिपार्टमेंट दिस वन डिपार्टमेंट 12,860,000 ये समथिंग आ रही है डिपार्टमेंट वाइज, इनर क्यूरी का रिजल्ट जो आपका ये था। राइट, इस पर आपने क्या किया, कर दिया, इस पर आपने ज्वाइन कर दिया, सेलेक्ट टेस्टिफाई एम्प्लाइज E1 ज्वाइन, इस पर आपने E2 इस रिजल्ट पे, क्योंकि पहले आपको ही पता है इनर क्यूरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है और बाद में आपकी आउटर क्यूरी होती है एग्जीक्यूट। E2 पे आपने क्या ज्वाइन लगा दिया, ऑन E1 डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। राइट, डिपार्टमेंट आईडी उसके डिपार्टमेंट आईडी के बराबर हो और सैलरी सैलरी के बराबर हो, ये जिस जिस एम्प्लॉइज की होगी वो आपको शो कर देगा। राइट, एक मिनट आप इसको ये कर दें, फर्स्ट नेम सैलरी। राइट, ये 11 एम्प्लॉइज है जो अपने डिपार्टमेंट में सबसे हाई सैलरी ले रहे हैं। समझ में आई आपको बात? राइट, इनर क्यूरी में हमने क्या किया, हमने डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी ले ली। राइट, और इसको ज्वाइन कर दिया हमने आउटर क्यूरी से
एम्प्लॉइज़ लिए, और कंडीशन वेयर की क्या हमने ऑन क्या कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, राइट। हाँ दिस वन, अच्छा राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द फर्स्ट 50% रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, राइट। अब टेबल में देखें, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ₹107 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लें, ₹53, राइट, 50% आप। अच्छा इसमें रिजल्ट क्या है, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लाइज डिवाइड टू, तो इसने क्या रिजल्ट देना है आपका। अब ये देखें इनर क्वेरी के लिए, इसके साथ डिवाइड टू करेंगे तो आपको वही 53 के करीब रिजल्ट मिलेंगे। तो इसका रिजल्ट जो ये काउंट 53 आएगा, ये जो 53 आया, इससे हमने क्या किया, हमने किया कि जो रो नंबर हमारा 53 से नीचे नीचे हैं वो हमें नज़र आ जाए, इज इक्वल टू 53 और लेस देन 53, तो वो रो नंबर हमें दे दें, राइट। तो हमने क्या कर दिया, रो नंबर से हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, रो नंबर 1, 2 जो आपका 107 रो नंबर होगा इनमें, राइट। 107 से हमें कितनी चाहिए, 53। यहाँ पे कंडीशन सिंपल ये हो जाएगी, यहाँ से 53 आया ना रिजल्ट, ये आपको 53 आ जाएगा, सिंपल क्यूरी ये हो जाएगी, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्सस की तरफ। अच्छा ये डिलीट रिकॉर्ड है, ये हम आखिर में देखेंगे, इसका आप देख लें, सिंपल डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर रो आईडी नॉट इन, सेलेक्ट मिनिमम रो आईडी फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2, राइट। इसको हम आखिर में देखेंगे क्योंकि इस पे आपके रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, इसको हम देखते हैं। अच्छा ये फाइंड द nth हाइस्ट सैलरी, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और तकरीबन हर इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है। इसके 2-3 तरीके हैं करने के आपके, राइट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट इवन सैलरी काउंट डिस्टिंक ई टू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, आप ये देख लें, चले आप इसको इस तरह कर लें, ज्वाइन एम्प्लॉय ई टू ऑन सैलरी इज लेस देन इज इक्वल टू ई डॉट सैलरी ग्रुप बाय इवन सैलरी हैविंग काउंट ई टू की सैलरी के काउंट, राइट। अगर आप इसको 1 करते हैं तो आपको मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी आपके पास, राइट, क्योंकि काउंट 1 आ रहा है आपका, देखें आपको काउंट भी नज़र आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट सैलरी का काउंट ले रहा है ये यहाँ से आपका। अगर आप ऐसे कर लें इसको, सेलेक्ट सैलरी काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय सैलरी, राइट। ये सैलरी दे आपको ये रिजल्ट आएगा, राइट। इसको हमने ज्वाइन कर दिया कि इसकी सैलरी उससे कम हो ग्रुप बाय इवन डॉट सैलरी हैविंग काउंट डिस्टिंक ई टू डॉट सैलरी इज इक्वल टू 1,
तो ये एक्चुअली मैक्सिमम आपको nth हाईएस्ट सैलरी का फंक्शन देगा। ये आप ये कर लें। अच्छा ये तो सिंपल है आपका, चलें आप ये देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। From employees. इसको आप ऐसे एक चीज ये कर लेते हैं, मैं आपको एक फंक्शन होता है रैंक, डांस रैंक और रैंक। अगर आपके पास सैलरी है जैसे 9500, 10,000, 11,500, 11,500, 12,000, 13,000, 13,000, चलो आप इसको कर 10,000, 9,000, 500, 500, 12,000, 800, 12,000, 500। अच्छा रैंक क्या करेगा आपका? रैंक एक्चुअली इसको सॉर्ट करेगा। राइट? इसको रैंक वन देगा, इसको रैंक टू देगा, इसको टू देगा, इसको भी टू देगा। राइट? इसको भी टू देगा। इसको कौन सा देगा? थ्री नहीं देगा, क्योंकि वन टू नहीं, सॉरी, इसको थ्री देगा क्योंकि सेम सैलरी, इसको भी थ्री रैंक दे देगा। और इसको फोर नहीं देगा क्योंकि ये एक इस्तेमाल कर चुका स्लाइड, इसको फाइव कर देगा। राइट? और आपका डेंस रैंक क्या करेगा? डेंस रैंक एक्चुअली इसको वन देगा, इसको टू देगा, इसको थ्री, थ्री, इसको फोर दे देगा। राइट? ये डेंस रैंक करता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने डेंस रैंक ले लिया आपका, डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। इसको हम देख लेते हैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज लेस देन 120, 120 से नीचे नीचे हो। देखें, वन दिया, टू दिया इसने, इसको थ्री दे दिया, इसको फोर दिया, फाइव, सिक्स। देखिए डेंस रैंक ये करता है। अगर रैंक होता, अगर हम इसको रैंक कर देते, देखें वन टू टू, थ्री को ओमिट कर गया, ठीक है ना, फोर कर दिया, तो हमें डेंस रैंक से जो भी सैलरी मिलती है, राइट, आर फ्रॉम इम्प्लाई वेयर आर इज इक्वल टू वन, रैंक जिसका एक हो। सबसे सिंपल एंथ सैलरी मालूम करने का 24,000। अगर आप इसको टू कर दें, राइट, आप इसको वेयर आर इन वन टू, राइट, आप डिस्टिंग भी लगा सकते हैं फंक्शन इसके साथ। राइट? सब सिंपल, सिर्फ आपने डेंस रैंक करना है इनर क्यूरी को और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इनलाइन क्यूरी से लेना है। इसको आपने आर दें फ्रॉम इम्प्लाई वेयर आर इज इक्वल टू वन। राइट? अच्छा ये आपको डुप्लीकेट रूल मालूम करने के लिए, इसमें तो कोई डुप्लीकेट रो है ही नहीं, वरना देखें सिंपल देख लें, सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी काउंट फ्रॉम एम्प्लाइज ग्रुप बाय एम्प्लाई आईडी फर्स्ट नेम सैलरी हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन वन। राइट? तो आपको
डुप्लीकेट रो मिल जाएगी, राइट। अच्छा, एक क्यूमुलेटिव सम होता है, चलो आप ये देख लें। अच्छा, क्यूमुलेट सम करें। अच्छा चले, हम ये करते हैं। वेयर एम्प्लॉय आर डी इज इक्वल टू इज लेस देन 150। क्यूमुलेटिव सम, इसको आप सम करेंगे, राइट। इसको सम कर देगा, और जिस ऑर्डर में आप लेंगे उस ऑर्डर में ही आएगा आपका। अगर आप आईडी को सॉर्ट कर रहे हैं तो आईडी के उस पे सम आएगा। अगर आप देखें ना, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के हिसाब से इसको सॉर्ट आउट करेगा और सम भी आपके इसी ऑर्डर में करेगा। अगर आप इधर आईडी दे देते हैं, एम्प्लॉई आईडी दे देते हैं, तो ये आईडी के हिसाब से आपको ऑर्डर करता और सम भी, क्यूमुलेटिव सम भी आपके उसके ऑर्डर से हिसाब से करता है। सिंपल ये है कि सम सैलरी ओवर ओवर का फंक्शन है, ऑर्डर बाय, राइट, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के ऑर्डर से ये सैलरी का, एक तो सैलरी देगा और उसका आपको सम भी देगा सैलरी का, राइट। तो लेक्चर ये काफ़ी लंबा हो गया है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।